नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे। आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कीटनाशक दवा। अगर हमारे पेड़ों को बिजली लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, पेड़ मरने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो आप लोग बताएंगे कैसे आपके पेड़ बढ़िया रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और कीड़े नहीं लगेंगे। तो कीटनाशक दवा तो आप लोग बताएंगे कैसे डालना है, कैसे इसको डालते हैं आप लोग बताएंगे। देखिए कितने प्यारे हैं और इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से लगा सकते हैं। देखिए हमारे इसमें कीटनाशक दवा है और ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन इसको यूज करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल दिया तो आपके पेड़ मर जाएंगे, सूख जाएंगे। हाँ जी, तो बस इसको संभाल के यूज करना है, लेकिन आपको 100% असर करेगी। ये देखिए, ये जो कि हमारी इसमें पालक वगैरह सूखने लगी इस तरीके से आती है, और इसको महीने में 15 दिन में एक आध बार डालना होती है और कम मात्रा में यूज करते हैं। कैसे कर बताते हैं, ये हमारे पत्ते जो कि पालक सूखने लगे, ये देखिए भी है, ये इस तरीके से दिखती है। जब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, वो हो जाएगी एकदम वाइट हो जाएगी दूध की तरह। हाँ जी, दूध की तरह हो जाएगी। और ये गमली में हमारे जो हमने लगा रखे हैं सारे सूखने लग गए, लेकिन कीड़े लग गए थे। पत्तों में पालक है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, मिर्ची है, धनिया है, ये सूखने लग गए थे, कीड़े लग गए थे। तो मैं लेके आया हूँ, थोड़ा सा डालना है और खेतों में इस तरीके से डालते हैं। लेकिन नाजुक पेड़ पे बिल्कुल भी नहीं डालना है। नाजुक पेड़ बोले तो एकदम नाजुक पेड़ होता है ना, उन पे नहीं डालना है, उस पर डालोगे तो वो सूख जाएगा। ये देखिए जैसे, और इसको बनाने के लिए और आपके इसमें मिट्टी और इसका अल्टी पल्टी करते रहेंगे तो गमले में तो कर नहीं सकते हैं। और पानी अच्छे से देते रहें, इसकी देखभाल करें पेड़ों को डेली, तो आपके पेड़ बहुत अच्छे हरे भरे रहेंगे। कोई भी पेड़ डेली आप पानी देंगे, उनके साथ में थोड़ा समय बिताएंगे, इधर के उधर गमले काटते रहेंगे, तो आपके पेड़ कभी नहीं सूखेंगे, अच्छे हरे भरे रहेंगे। क्योंकि उनको भी आप जैसे पानी देते रहेंगे, छूते रहेंगे, इधर से उधर गमला चलाते रहेंगे, इधर करा उधर करा, डेली कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम आप उनको पेड़ों को देंगे तो पेड़ आपके हरे भरे रहेंगे। कोई भी पेड़ होगा तो आप भरा भरा रहेगा, और जब हम उसको पानी नहीं देंगे, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो पेड़ सूख जाते हैं। तो बस पेड़ों के साथ में थोड़ा टाइम जरूर दें, कोई भी पेड़ है उसको थोड़ा सा टाइम जरूर दें अपना, तो वो आपका हरा भरा रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मैं डेली ऐसे ही करता हूँ, मैं आता हूँ अभी तो नात्र में, अब मैं शाम को देता हूँ या सुबह पानी देता हूँ गर्मियों में ना, मैं डेली जब ठंडी के टाइम पे मैं डेली इसको 3 बजे दे पानी देता था, लेकिन अभी गर्मी चालू हो गई तो मैं शाम को देता हूँ पानी या फिर सुबह सुबह देता हूँ। तो बस आधा घंटा 1 घंटा मैं इनको डेली टाइम देता हूँ, तो हमारे पेड़ सूखते नहीं, मरते नहीं हैं। ये देखिए, और जो गमले में रखे हैं बहुत अच्छे हैं और मिट्टी मिट्टी हैं, तो बस इस तरीके से। तो वो और जो अगर कीड़े लग जाते हैं तो आपके मर जाएंगे। तो बस आप लोग दिखाते हैं कैसे बनाना है। तो इसको क्या होता है कि आपने अगर 2 ml लिए है तो 2 लीटर पानी ले लें, और इसके ऊपर लिखा है कितने ml लेना है, कितने ml पानी लेना है। तो इसमें हल्का सा आप अगर चाहते हैं थोड़ा और लाइट बनाना है, तो आप नाजुक भी रहें तो आप और लाइट बना सकते हैं। 1 ml में 2 लीटर पानी ले सकते हैं, 1 ml में 2 लीटर, और ना तो आप 1 ml में 1 लीटर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, और इसको दूध जैसा हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बना के दिखाते हैं, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, जैसे ऐसे ढक्कन भर कर डाल दी नहीं, ml बहुत छोटा हो जाता है, ये 30 ml समथिंग है, और हमने 20 लीटर में बनाया है, हमें सारे पेड़ों के लिए देंगे। तो ये देखिए, 1 लीटर में 1 ml या 1 ml में 2 लीटर भी डाल सकते हैं, और इसको इस तरीके से बना लिया दूध जैसा दिख रहा है, इस तरीके से सब में पानी डाल देंगे। पत्ते के ऊपर जहाँ भी कीड़े हों वो मर जाएंगे, ये देखिए कीड़े मर जाएंगे और आपके लिए 2-3 दिन में हरे भरे हो जाएंगे पेड़, और हमारे बहुत अच्छे हो गए। तो बस थैंक यू, धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।